बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। अप्रॉक्स 260 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे देश की सदर्न पार्ट की दो मेजर कैपिटल को जोड़ने की काम करेगा, जो है कर्नाटका स्टेट की कैपिटल बेंगलुरु और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई ये प्रोजेक्ट लगभग 17,000 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। 4 लेन के इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे की बदौलत आप सिर्फ 4 घंटे में बेंगलुरु से चेन्नई पहुंच जाएंगे और ट्रैफिक वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा इस एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में 8 लेन तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसके लिए इस पूरे एक्सप्रेसवे में टोटल 90 मीटर के ROW रखा गया है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये एक्सप्रेसवे इन दोनों कैपिटल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और देखेंगे इसका प्रोग्रेस। लेकिन अगर आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में जाननी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे डिटेल में हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा किया है। बाकी अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, उससे हमें काफ़ी हेल्प होती है। Chapter 1, कीवे एक्सप्रेसवे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के डेट में मुझे अगर बाय रोड बेंगलुरु से चेन्नई जाना हो तो 2 रूट्स दिख जाता है, एक होस्कोटे कोलार चित्तौर होकर वाया डिफरेंट हाईवेज एंड दूसरा होसुर होकर वाया NH44 और NH48। एंड दोनों ही केस में लगभग 7.5 घंटे लग जाते हैं एंड कहीं ना कहीं दोनों ही रोड ठीक ठाक ही है। बट प्रॉब्लम यह है कि नेशनल हाईवेज एक्सेस कंट्रोल नहीं होता तो मल्टीपल लोकेशन में इसके साथ छोटे छोटे रोड्स का कनेक्टिविटी भी रहता है, जिससे ट्रैफिक फ्लो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो पूरा ही एक्सेस कंट्रोल होता है, सिर्फ कंट्रोल इंटरचेंज के जरिए ही इसमें कोई गाड़ी एंटर कर सकते हैं, जिसके चलते ना ही ट्रैफिक फ्लो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि काफ़ी समय भी बचते हैं। इनफैक्ट अगर एग्जिस्टिंग हाईवेज को देखें तो मिनिमम 333 किलोमीटर के डिस्टेंस आपको जाना पड़ता है, जहाँ नई एक्सप्रेसवे के चलते आपको सिर्फ 260 किलोमीटर की ही दूरी तय करना पड़ेगा। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की और एक बेनिफिट होती है कि जहाँ जहाँ से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है वहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होना चालू हो जाता है, क्योंकि एक है ये एक्सप्रेसवे एंड दूसरी है चेन्नई पोर्ट, जिसके चलते आसानी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संभव होगा कोई भी नई इंडस्ट्रीज़ के लिए। एंड उसी के चलते इस एक्सप्रेसवे के बगल में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ भी सेट होना चालू हो जाएगा, जो आसपास के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का कोई दरकार नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में ये एक्सप्रेसवे ना केवल कर्नाटका और तमिलनाडु बल्कि आंध्र प्रदेश के लिए भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का लगभग 88.3 किलोमीटर हिस्सा गुजरा है आंध्र प्रदेश से। तो टेक्निकली बोला जाए तो ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इन तीनों स्टेट्स को काफ़ी आसानी से कनेक्ट करता है। Chapter 2, कितना काम हुआ है इस एक्सप्रेसवे में। तो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण 4 फेजेस में हो रहा है, जिसको 11 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है और आज हम देखेंगे पैकेज 1 का प्रोग्रेस, जिसका लेंथ है लगभग 24 किलोमीटर। हम फिर से पैकेज 1 का ही प्रोग्रेस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इसी पैकेज का वीडियो देखा था एंड वो था 1 फरवरी 2023। तो लगभग 7 महीने बीत चुका है। तो अगर इन 7 महीनों में पैकेज 1 में डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ होगा तो हम बाकी सेक्शन का भी एक अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो प्रोजेक्ट शुरू होता है होस्कोटे के पास इस इंटरचेंज से, जो NH75 यानी बेंगलुरु तिरुपति हाईवे से शुरू होता है। एक्चुअली इस इंटरचेंज पे 3 रोड आकर कनेक्ट होता है, NH75, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु सैटेलाइट रोड। अगले वीडियो में हम बेंगलुरु सैटेलाइट रोड पर भी चर्चा करेंगे। अभी वापस आते हैं बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर। तो 7 महीने पहले यहाँ पे प्रोग्रेस कुछ ऐसा था जहाँ हर जगह पर बस अर्थवर्क ही चल रहा था और लूप्स का काम जस्ट शुरू ही हुआ था। लेकिन अभी देखें तो लेफ्ट साइड में लूप का काम काफ़ी हद तक बन चुका है, जहां राइट साइड पे लूप के ऊपर अभी रोड लेइंग चालू हुआ है, बट जो मेन व्हीकल ओवरपास है उसका अभी सिर्फ पियर कैप तक ही काम हुआ है। इसके बाद इसमें सो ऑन एक्टिविटीज़ का काम चालू होने वाला है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे जो पब्लिक ओवरपास है वो अभी बन चुका है, जो लास्ट टाइम पे
प्रोग्रेस में था और मीडियन में आपको ड्रेन भी बनते हुए दिख जाएगा। बाकी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं स्लोप प्रोटेक्शन का काम अभी शुरू हुआ है। और आगे बढ़े तो जो भी कलवर्ट्स और माइनर ब्रिजेस है वो आपको कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। फिर यहाँ पे रोड लेफ्ट टर्न लेता है, लेकिन लास्ट टाइम के प्रोग्रेस में यहाँ पे लैंड एक्विजिशन बाकी था जो कि अभी क्लियर होते हुए दिख रहा है। और इस रोड के ऊपर एक ओवरपास भी बनेगा जिसका गर्डर यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया गया है। फिर आगे बढ़े तो ज़्यादातर हिस्से में आपको रोड का फाइनल लेयर कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। और इस लोकेशन में और एक रोड आकर मर्ज हो रहा है इस एक्सप्रेसवे के साथ जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर आगे बढ़े तो आपको ज़्यादातर जगह पे रोड लेइंग का काम कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। बस जो स्ट्रक्चर्स का काम बाकी है वहीं पर अभी काम चल रहा है। फिर इस मेजर ब्रिज का लास्ट टाइम सिर्फ पीआर कैप तक ही काम हुआ था, अभी राइट साइड का दोनों स्पैन छोड़ के बाकी बन चुका है और रोड लेइंग भी शुरू हो गया है इस मेजर ब्रिज के ऊपर। फिर आगे बढ़े तो ज़्यादातर हिस्से में वापस रोड बन चुका है जहाँ पर आपको क्रैश बैरियर भी फिक्स होते हुए दिख जाएगा। बस बाकी है तो रोड मार्किंग का काम। इनफैक्ट अगर आप लेफ्ट और राइट साइड में देखेंगे तो आपको स्लोप प्रोटेक्शन का काम भी होते हुए दिख जाएगा। फिर यहां पर बनने वाला है एक टोल प्लाजा जिसका फाइनल लुक कुछ ऐसा होने वाला है, बट अभी भी यहां पर थोड़ा लैंड एक्विजिशन बाकी है। और थोड़ा आगे बढ़े तो फाइनली यहां पर एंड होता है पैकेज वन का। ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट 7 महीनों में डेवलपमेंट्स काफ़ी सारा हुआ है इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर रोड का फाइनल लेयर बन चुका है और कुछ कुछ लोकेशन में थोड़ा बहुत काम बाकी है जहां पे अभी स्ट्रक्चर्स का काम ही चल रहा है। अभी भी कुछ लोकेशन है जहां पे थोड़ा बहुत लैंड एक्विजिशन बाकी है, लेकिन ओवरऑल अच्छे स्पीड के साथ ही चल रहा है इस प्रोजेक्ट का काम। तो सिर्फ एक पैकेज को देखकर प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस परसेंटेज गेस करना पॉसिबल नहीं, बट ओवरऑल हर पैकेज में अगर सेम स्पीड से काम चले तो प्रोजेक्ट डेडलाइन अचीव करना पॉसिबल हो सकता है जो है दिसंबर 2025। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।